एक सच्ची भूतिया घटना है। 18 से 40 साल के हर लड़के को एक हॉस्पिटल में एक लड़की जान से मार देती थी और उसका खून पी जाती थी। वह लड़की 18 से 40 साल के लड़के को ही क्यों मारती थी, आइए देखते हैं। एक समय की बात है, गीता नाम की एक लड़की थी। गीता हाल ही में हॉस्पिटल ज्वाइन की थी। गीता उस हॉस्पिटल में कई दिनों से देखती थी कि 18 से 40 साल के हर लड़के को रूम नंबर 16 में मौत हो जा रही है, और यह बात गीता को अजीब लगती थी। यह बात गीता लोगों से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर पूछेंगे तो लोग उस पे हंसेंगे। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन एक मरीज की देखभाल करने के लिए गीता का नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी। तब गीता ने सोचा क्यों ना मालूम किया जाए कि ऐसा इस हॉस्पिटल में क्यों होता है, और उस रात रूम नंबर 16 में गीता जाकर छुप गई। और उस दिन वहाँ रूम नंबर 16 में एक 20 साल का लड़का एडमिट हुआ था, और उस रात गीता वहाँ छुपी रही। लेकिन रात के जब 2 बजे, तब गीता क्या देखती है कि एक सुंदर सी लड़की वहाँ पे आई और उस लड़के के पास जाकर घूरने लगी, और देखते देखते वो लड़की उस लड़के के शरीर पे चढ़ गई और उस लड़के के गर्दन पे अपना दांत हलाकर उसका सारा खून पीकर उसे मार दिया। और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। तब गीता वहाँ से निकली और उस लड़के के पास जाकर देखी तो वो लड़का मर चुका था। तभी गीता को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी गीता डरी और अचानक से पीछे मुड़ी। तब गीता देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। फिर अचानक कॉरिडोर की लाइट चमकने लगी और उसके बाद गीता के सामने वाली लाइट बंद हो गई। तभी उस अंधेरे में से गीता को किसी की रोने की आवाज सुनाई दिया। तभी उस लाइट की चमक पे गीता की नजर एक मरीज पे पड़ी, जो मरीज के कपड़े में बैठकर वहाँ रो रही थी, और वह औरत दीवार में अपना हाथ रगड़ रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब देखने के बाद गीता डर के कारण बर्फ की तरह जम गई थी और गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। और गीता के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि यह क्या हो रहा है और यह औरत कौन है और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही है। जब गीता ने उस मरीज की तरफ देखा तो देखकर उसका होश उड़ गया, क्योंकि उस लड़की के शरीर के नीचे वाला हिस्सा प्राइवेट पार्ट पूरा खून से भरा हुआ था। तभी वो औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की तरफ देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए और वो औरत नीचे कपड़े नहीं पहने हुए थे। तभी देखते ही देखते वो औरत गीता की तरफ आने लगी और फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी, और वो औरत आगे बढ़ते हुए एक बात बोल रही थी कि तुम सब मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम सब मुझे मार दिया। और उस औरत को देखकर ऐसे लग रहा था कि उस औरत के अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, और गीता डर के कारण वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर किसी तरह गीता वहाँ से उठी और दूसरे फ्लोर के बाथरूम में जाकर छुप गई। फिर गीता अपने फोन से मदद लेने के लिए सोचा, और जब गीता अपने पॉकेट में फोन लेने के लिए हाथ डाला तो उसके पॉकेट में फोन नहीं था। फिर गीता को याद आया कि उसका फोन तो उसी रूम में छूट गया है। फिर गीता डरी डरी उस वॉशरूम में कुछ देर तक छुपी रही, और गीता वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि वॉशरूम के बाहर वो औरत खड़ी थी, और अचानक से कोई वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी गीता की नजर उस वॉशरूम के शीशे पर गई और शीशे में गीता देखती है कि वही औरत खून से लथपथ गीता के पीछे खड़ी है। फिर गीता वहां से उठी और जल्दी से दूसरी मंजिल की तरफ भागना चाहा, और सीढ़ियों से होते हुए गीता दूसरी मंजिल की तरफ भागी और वो औरत गीता के पीछे पीछे आ रही। फिर गीता को लगा कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और गीता नीचे गिर गई। गीता डरी हुई उठी और पीछे अचानक मुड़ी। तभी गीता देखती है कि उसके पैर के पास वो औरत खड़ी हुई है। यह देखने के बाद गीता का शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया और गीता यह देखकर वहीं बेहोश हो गई। और वह जब अगले दिन होश में आई तो वह देखती है कि वह एक बेड पर पड़ी हुई है और उसके पास वहाँ कुछ नर्स बैठी हुई थी। यह देखने के बाद गीता ने लंबा सांस लिया और गीता ने उस नर्स से सारी बात बताई तो वह नर्स गीता की बात सुनकर हंसने लगी, और वह नर्स हंसते हुए कहा कि तुम अपने काम की वजह से अपने सेहत पे ध्यान नहीं देती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और वह नर्स इतना बोलकर वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन गीता जब अकेली बैठकर उसी के बारे में सोच रही थी, तब उसके पास एक बूढ़ी नर्स आई और उसने गीता से कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हूँ, जो तुम्हारे साथ रात में हुआ था वो तुम्हारे साथ सच में हुआ था। आज से 20 साल पहले उसी रूम में अनीता नाम की एक लेडी आई हुई थी और उस रूम में अपना इलाज करा रही थी, और अनीता के बगल वाले बेड पे एक लड़का भी था। एक रात वो लड़का अनीता के साथ बलात्कार किया और उसे जान से मार दिया। हॉस्पिटल बदनाम होने के डर से डॉक्टर ने बताया कि अनीता की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई, और कुछ दिन बाद अनीता के घर में आग लगने के कारण उसके पूरे परिवार जलकर मर गए। उसके बाद उस रूम में जो भी लड़के आते हैं उसे अनीता जान से मार देती है। यह सब सुनने के बाद गीता ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात के ड्यूटी लेने से मना कर दिया। यह सब सुनने के बाद क्या कभी तुम रात में अकेले हॉस्पिटल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो कमेंट में हाँ बोलो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।